अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेलगाम शहर में सरदार स्कूल हो या फिर विजय पैरामेडिकल और दिगर कॉलेजेस में भगवाशाल वर्सेस हिजाब का जो मामला चल रहा है, आज हमारे साथ मौजूद हैं कई सारे वालिदैन को यहाँ पर बुलाया गया था। सर, ये जो आज आपने मीटिंग की उस तल्लुक से क्या है सर? कॉलेजेस में जिस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, ऐसा सभी का कहना है। या कुछ इश्यूज चल रहा था दैट दे नीड नॉट हैव टू चेक एट द गेट और इन द कंपाउंड। आवर रिक्वेस्ट इज ओनली टू चेक देम इन द क्लासरूम। सो वी हैड बीन टू दिस वन पैरामेडिकल कॉलेज, बच्चों के साथ मैं भी बात किया और बाद में मुझे लगा का पेरेंट के साथ भी हम एक मीटिंग करेंगे करके। सर, बच्चों वालिदैन को भी 8 दिन तक कॉलेज को नहीं आना, बच्चों वगैरह बोले हैं सर, तो इस ताल्लुक से क्या है? नहीं, कोई छुट्टी नहीं देता। मैं प्रिंसिपल से भी बात करता हूँ, ऐसा हुआ तो नोबडी विल गिव हॉलीडे फॉर दैट एंड आई विल आल्सो इंस्ट्रक्ट हिम टू इफ ही हैज गिवन हॉलीडे देन आई विल आस्क हिम टू स्टार्ट द क्लास। सर, इसके पहले भी आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि अंदर तक हिजाब डालकर जा सकते हैं क्लासरूम में, लेकिन इसके ऊपर पालन नहीं किया जा रहा, उस पर अमल नहीं किया जा रहा, ऐसा कईयों का कहना है। सभी लोग इसको पालन करेगा। हाँ, गेट के अंदर कंपाउंड के अंदर कोई चेक नहीं करेगा, खाली क्लासरूम में उनको समझाएगा। ठीक है, हिजाब मामला जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, बेलगाम शहर के भी कई कॉलेजेस, कई स्कूलों में इस तरह का मामला पेश आया, जैसे कि खासकर विजय पैरामेडिकल कॉलेज में कल भी मामला पेश आया था, आज भी उस तरह का मामला पेश आया है। प्रिंसिपल का कहना है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो 8 दिन तक इसमें छुट्टी ले लें, यानी कि वो ना आए, लेकिन क्लासेस तो चल रहे हैं। लिहाजा हिजाब मामले को लेकर मखसूस समाज को निशाना बनाने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उन्हें पढ़ाई से भी दूर रखा जा रहा है। कई सारे वालिदैन को आज बुलाया गया था कि उन्हें समझाने के लिए कि ये कुछ दिनों का मामला है, इस पर आप अमल करें ताकि किसी तरह का तनाज़ा ना खड़ा हो। यहाँ पर कई सारे वालिदैन हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये सो हम ये कॉलेज के स्टूडेंट की पेरेंट्स हैं, इसकी वजह से हम यहाँ डीसी ऑफिस में जमा हुए थे कि दुपट्टा अलाउड नहीं है, हिजाब अलाउड नहीं है बोलकर। हम रिक्वेस्ट करने का ऐसा था कि हमारे बच्चियों को हिजाब नहीं तो भी नहीं, दुपट्टा ओढ़ने की तो भी इजाज़त दो। ओढ़ने के लिए दे तो काफ़ी है, इतना ही, सर पे भी नहीं दे रहे उन लोग, तो फिर वही मीटिंग रख के फ़ायदा ही नहीं ना। हम सब इसके वास्ते में जमा हुए थे, हमारे ये भाई साहब, ये सब जने डीसी साहब के साथ रिक्वेस्ट करे भी है, लेकिन वो मान रहे नहीं। एक 4 दिन का एक टाइम दो बोलकर हम ना बोल रहे हैं, लेकिन 4 दिन में होने वाला क्या है? अब वो बच्चा के एग्ज़ाम नज़दीक ऐसा है और उसके बाद में ये कोरोना सी पढ़ाई भी बहुत लेट शुरू हुई सो है, ये मसला कुछ हल होने का समझ में नहीं आ रहा सर, कैसा करना है? नहीं, आगे क्या फैसला लेंगे अगर मान लो इतनी इजाज़त दो कि बच्चों को हमारे एग्जाम हुए तक हिजाब नहीं तो भी नहीं, दुपट्टा, सर पर दुपट्टा रहने की इजाज़त देने को बोलो। आप क्या सर? कल जो हंगामा हुआ ये पैरामेडिकल विजय कॉलेज के अंदर, हमारे बच्चे लोग उधर पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, ये इतने दिन से इशू कुछ भी नहीं था, बुरका काट के क्लास के अंदर एंटर होते थे, खाली स्कार्फ पहन के अंदर बैठते थे पहले से है। अभी कल इशू हुआ कि स्कार्फ काट के अंदर बैठो बोल के बोल रहे। अभी आज डीसी साहब ने पेरेंट्स को बुला के मीटिंग ली कि आप बच्चों को समझाओ कि स्कार्फ काट को बैठने के लिए बोल रहे, मगर हम डीसी सर से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको खाली दुपट्टा अलाउ करो खाली जी, ठीक है। अभी इनको कल ड्रेस दिए हैं, इनको ड्रेस के साथ जो दुपट्टा है ना सर पे भागे बैठने के लिए खाली इतना अलाउ करो, क्योंकि हमारा इतना रिक्वेस्ट है खाली डिपार्टमेंट से, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो बोल रहे हैं अभी वो नहीं, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक आप ये करो, बच्चों को समझाओ बोल रहे हैं। हम बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी हमारी हद है ना, इस्लाम है, हमारा रिलीजन्स है, उसको हद वो रख के भी हम आगे बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, जो इस्लाम के तरीके से वो एजुकेशन देना चाहते हैं, मगर उन्होंने हमारे इस्लाम के खिलाफ ही ये कर रहे हैं। एक और एक मामला आज देखा गया कि पैरामेडिकल की लड़की जो स्टूडेंट पढ़ती थी, हाँ, वो ये कहती हुई देखी गई कि टिकटॉक पर आप निकालते हैं, हाँ, तो आपको क्या तकलीफ है? तो वही तो हमारे बच्चों, हमारे उधर 75% मुस्लिम लड़की लोग गए थे, बिना हिजाब के बिना बुरके के कोई भी लड़की उधर आती नहीं है, और वो खाली खाली ब्लेम कर रहे, जस्ट हमारे इस्लाम को खाली बदनाम करने के लिए खाली वो इतना इशू करके बैठ रहे हो। अभी माहौल ठंडा है, उसको और गर्म करने की कोशिश कर रहे हो उधर, यानी कि इस तरह के लोगों को भेजा गया और बोलने के लिए कहा, बोलने के लिए क्लास के अंदर बोलने के लिए ये कर रहे हैं, खाली उकसा रहे हमारे लड़के लोगों को उकसा रहे, हालांकि कोई भी लड़की उधर टिकटॉक बिना हिजाब के बिना बुरके कोई भी लड़की उधर नहीं जाती, मगर खाली उकसा रही इधर।
अभी इनके भी बच्चे लोग पढ़ते हैं, कुछ उनको अलाउ करते हैं, को भेज देते हैं, इनके पढ़ने के वास्ते भेज देते हैं वहाँ। हमने ज़रूरत क्या है वो टिकटॉक करने की ज़रूरत नहीं, हम ना वो कुछ काम कर नहीं है, हमें भेज रहे हैं कई को, हमने इतनी तकलीफ उठा को कि बच्चे कुछ पढ़न दे, कुछ बनन दे। हिजाब के नाम पर नहीं उन्होंने बदनाम कर रहे हैं हमारे बच्चियों को, जब हमारी लड़कियों के बारे में हमें कुछ नहीं बोलते तो हमारे बच्चियों के बारे में उन्हें बोलने वाला कैसा, हम जो हमारे बच्चियों की तरबियत दी वो वैसा चलने वाले सर, हमें कैसा भेज देते ना वैसा। अभी दूसरे पेरेंट्स का हमें कुछ नहीं, हमारे जो बच्चों को हमें भेज को दे रहे हैं हमें वैसा भेजने वाले सर, भुरके के साथ, हिजाब के साथ, नकाब के साथ। आपको क्या लगता है कि एक समाज को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है इस मामले को लेकर? अभी तो ऐसा ही लग रहा है ना कि जानबूझकर एक निशाना बना रहा है बोल के, ऐसा ही लग रहा है। अभी हम खाली इधर कई के लिए आए थे, डीसी से बुलाए थे हमको, खाली बच्चों को तुम्हें रिक्वेस्ट करके ये करो बोल के नकाब निकाल के बैठने के लिए बोल रहे हैं, मगर देखिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो भी बनता है। लेकिन अदालत का फैसला आने तक मानो ऐसा उनका कहना है, ठीक है अदालत तक फैसला आने के तक, अभी अदालत का फैसला आने के लिए अभी हाईकोर्ट है, चलो हाईकोर्ट में डिसीजन नहीं हुआ तो फिर बने सुप्रीम कोर्ट, कितने दिन जाएगा तब तक बने बच्चों की पढ़ाई लॉस होगी। पहले कॉलेज स्टार्ट हुई लेट, अभी 26 को एग्जाम्स है, फिर वो इतने तब तक पढ़ाई कैसा होने वाली इनकी? नहीं सर, हर बात में मुस्लिम का मुद्दा क्यों बनाते हैं, हर बात में मुस्लिम के चुन को लेते हैं, मुस्लिम को क्या वजह है, मुस्लिम के साथ उनकी प्रॉब्लम क्या है मुस्लिम से? लॉ के अंदर सभी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सबको क्या है फ्रीडम के लिए, हक के लिए जो लड़ने का है वो तो लड़ना है। क्या हम ऐसा हम फिर हम भी बोल सकते हैं ना कि आप ये मत पहनो वो मत पहनो, मुसलमान पे ही क्यों भाई? क्या टारगेट सोचने की बात है ना, मुसलमान से इतना प्रॉब्लम क्या है? आपका ये भी इल्जाम है कि क्लासेस तो शुरू हैं लेकिन जो हिजाब पहन कर आ रहे हैं उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। नहीं, नहीं, अभी एक हफ्ता नहीं आने का बोले है। जो है देखो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो हमारे मुस्लिम की जो हिजाब पहन को आने वाली है लड़की, उनको एक हफ्ते के रास्ते में हॉलीडे के पर तुम्हें घर में रहो करके बोले सर। अब एक हफ्ते की उनकी पढ़ाई का नुकसान कौन भरने वाले? 16/2/2022 को माइनॉरिटी वेलफेयर कमीशन की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है और उस सर्कुलर में उन्होंने मेंशन किया है, मैं कन्नड़ा में है मैं पढ़ देता हूँ। ई हिन्नेलेयल्लि अल्पसंख्यातर कल्याण इलाखेय अधिनियमदल्लि वसति शाले कॉलेजुगळु मौलाना आजाद मादरी शालेगळल्लि आंग्ल माध्यम यावुदे कारणक्कू तरगति कोठडिगळल्लि केसरी शालु स्कार्फ हिजाब ಯಾವುದೇ ಇನ್ನಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಧರಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ। ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಕಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೇ ವೋ ಬೋಲ್ ರಹೇ ಹೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೆ ಆಡ್ ಮೇ ಕಿ ಹರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಔರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮೇ ಜೋ ಭಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೆ ಅಂಡರ್ ಆತೆ ಹೇ ವೋ ವಹಾಂ ಪೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಸಫ್ರಾನ್ ಶಾಲ್ ಯಾ ಜೋ ಭಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಯೂಸ್ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ। ಲೇಕಿನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಾ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ? हाईकोर्ट के ऑर्डर के पैरा नंबर 11 में क्लियरली बताया गया है, जजेस ने क्लियरली बोला है वी कन्फाइन दिस ऑर्डर, हम ये जो इंटरिम ऑर्डर दे रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को लागू होगा जहां पे कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है, CDC कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है। क्या स्कूल्स में कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है? क्या कोई डिग्री कॉलेजेस में कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है? अगर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है तो वहाँ पे हाईकोर्ट का ऑर्डर लागू होता है। अगर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ऑलरेडी हो और उन्होंने यूनिफॉर्म को प्रिस्क्राइब नहीं किया हो तब भी वो वहाँ पे लागू नहीं होता। तो अचानक से अब उठ के हमारे कॉलेज में CDC है, आपको ये यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा करके वो भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का रहना ज़रूरी है और वहाँ पे बहुत पहले से यूनिफॉर्म को कंटिन्यूटी रखना भी ज़रूरी है, उसी वक्त हाईकोर्ट का ऑर्डर लागू होता है। वेलफेयर माइनॉरिटी वेलफेयर कमीशन ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल गलत है, हमने आज ऑलरेडी उनको रिप्रेजेंटेशन नोटिस भी भेजा हुआ है, अगर कल शाम तक उनका रिप्लाई नहीं आएगा तो उनके ऊपर भी हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। और आज की सुनवाई में हमारे सीनियर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका को क्लियरली बताया है कि सर आपने जो पैरा 10 एंड 11 में जो ऑर्डर दिया है इंटरिम ऑर्डर उसके अंदर उसका गलत इस्तेमाल करके, उसका गलत मतलब निकाल कर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के अफिलिएटेड स्टेक होल्डर्स जो है वो लोग अपने को जैसे चाहिए वैसे ऑर्डर पास कर रहे हैं, स्कूल को लगा दिए, डिग्री कॉलेज को लगा दिए, कोई मेडिकल कॉलेज को लगा दिए। हालांकि हाईकोर्ट का ऑर्डर ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये स्कूल को लागू होता है, हाईकोर्ट ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि ये मेडिकल कॉलेज को लागू होता है, हाईकोर्ट ने ये कहा है जिस
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर CDC कमेटी है, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है, सिर्फ वहाँ पर ये लागू होगा। और जहाँ तक ये पिटिशनर की बात है, जो बच्चे हाईकोर्ट में गए हैं वो बच्चे PU कॉलेज के हैं, गवर्नमेंट PU कॉलेज, तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये ऑर्डर सिर्फ गवर्नमेंट PU कॉलेज तक उतना ही महदूद है, कोई स्कूल अदर देन PU कॉलेज, डिग्री कॉलेज हो, मास्टर डिग्री कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ पे ये लागू नहीं होता है। मैं पसमंज़र में पिछले 2-4 दिन पहले भी हमने DC साहब को मेमोरेंडम दिया था कि इसका मिस यूज़ हो रहा है, आप इस पर नज़र रखिए। आज उसी ताल्लुक से मैं बात करने के लिए फिर से जा रहा हूँ, देखते हैं DC साहब का क्या जवाब आएगा।